चलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको चला हूँ सैमसंग की एक ऐप के बारे में, जिसमें अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है। ये ऐप वैसे तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये कोई यूज की ऐप नहीं है, बट अगर आप उसको अपडेट करेंगे इंटरनली काम करती है और बहुत ही काम का ये वाला ऐप है। तो दोस्तों आगे आपको बताने वाला हूँ कौन सी ऐप है और इसको अपडेट करने के बाद आपको क्या फायदा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट्स में जाना है और यहाँ अपडेट्स में जाना है। जैसे ही आप अपडेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट अवेलेबल मिल रहा है, MD सर्विस फ्रेमवर्क आपको दिख रहा होगा। ये आपको लगेगा यार ये तो ऐसी सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, कोई काम का है भी नहीं, ये नहीं है, बट ये बहुत काम का है। अगर आप अपने मोबाइल से कुछ शेयरिंग करते हैं, डेटा कुछ ट्रांसफर करते हैं, तो ये बहुत काम का है। आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है, व्हाट्स न्यू, फिक्स्ड नाउ कनेक्शन इशू बिटवीन गैलेक्सी एंड विंडो डिवाइस। मतलब कि अगर आप कोई ट्रांसफर कर रहे हैं गैलेक्सी डिवाइस में या विंडो डिवाइस में, तो जो भी कनेक्शन का इशू है वो यहां पर फिक्स कर दिया गया है और साथ में इंप्रूवमेंट कर दिया गया है कनेक्शन लेगेसी स्टेबिलिटी। मतलब कि अगर आप यहां पर गैलेक्सी डिवाइस में कुछ कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसकी कनेक्शन की जो लेगेसी मतलब स्लो हो जाता था या बीच बीच में करप्ट हो जाता था, स्टेबिलिटी यहां पर कंफर्म कर दी, अच्छी कर दी गई है। तो ये बहुत ही काम का अपडेट है दोस्तों। तो पहले तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूं। ये अपडेट आप देखेंगे कब रोल आउट हुआ है, ये यहां पर 13 जून को अपडेट हुआ है, 13 जून को रोल आउट किया गया, जो कि 7 MB का, कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। ये धीरे धीरे जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो बड़े हैंडसेट होते हैं पहले उन पे आता है, उसके बाद मिड रेंज में और सबसे नीचे धीरे धीरे करके सबको रोल आउट होना चालू हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस ऐप का काम क्या है, MDA सर्विस फ्रेमवर्क, एक सर्विस है फ्रेमवर्क है, ये बैकग्राउंड में रन होती है, ये आपको कहीं दिखेगी नहीं। इससे होगा क्या, पैकेज ऑफ वायरलेस कनेक्शन एंड मैनेजमेंट बिटवीन गैलेक्सी डिवाइसेज। ये कनेक्शन जो ये सर्विस है, ये पैकेज वायरलेस कनेक्शन जो भी आप करते हैं अपने डिवाइस में गैलेक्सी डिवाइस में, तो ये बीच में मैनेजमेंट करता है। मतलब कि ये सर्विस है बीच में हेल्प करती है, जब भी आप कोई कनेक्ट करते हैं कनेक्शन करते हैं, लाइक अगर आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं क्यूक टूल्स के थ्रू, तो ये यहां पर क्यूक शेयर के थ्रू, तो ये बीच में कनेक्शन को मैनेज करके रखती है कि आपका जो भी कनेक्शन है वो टूटे नहीं और अच्छे से आपका डेटा वहां पर ट्रांसफर हो जाए। ये देखेंगे आपको यहां पर स्क्रीनशॉट भी लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, ये यहां पर आप शेयर करेंगे तो ये आपको ऐसा ऐसा यहां पर शेयरिंग में काम करता है। तो मेन काम क्या है इस ऐप का, कि आप जब भी कोई डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो ये वहां पर स्टेबिलिटी और अच्छा कनेक्शन बनाता है, ताकि आप इजीली वहां पर क्विकली अपना डेटा को ट्रांसफर कर सकें। कैसे काम करेगा एक चीज और बता देता हूं। तो मैं यहां पर आ गया हूं अपने मोबाइल की गैलरी में। तो दोस्तों यहां पर मैं आ गया हूं अपने मोबाइल की गैलरी में और मैंने यहां पर अपनी कोई सी भी फोटो उसको यहां पर शूट कर लिया और शेयर पर क्लिक करा। जैसे ही मैं शेयर पर क्लिक करूंगा, तो अगर मैं यहां पर क्यूक शेयर पर क्लिक करूंगा तो ये यहां पर वो काम करना चालू हो जाएगी, जो MDE सर्विस है यहां पर वो काम करना चालू हो गई है, सर्विस फ्रेमवर्क, जो कि स्टेबिलिटी करेगी, अच्छा नेटवर्क बनाएगी, ताकि मेरा जो डेटा है क्विकली ट्रांसफर हो जाए और बहुत ही इजीली स्मूथली यहां पर ट्रांसफर हो जाए। तो ये बहुत ही काम का ये वाला जो अपडेट है, ये आपको करना चाहिए। मैंने तो इसको अपडेट कर लिया है, आपको भी इसको अपडेट करना चाहिए, इससे बहुत फायदे आपको मिलेंगे बैकग्राउंड में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपके मोबाइल में कोई कनेक्शन के इश्यूज भी होंगे इस अपडेट के बाद, हो सकता है वो भी आपके वहां पर कनेक्शन इशू भी रिजॉल्व हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पहले पता था या नहीं था। थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।